शिवपुरी थाना करेरा पुलिस द्वारा 80 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब एवं हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल कुल कीमती 96,000 रुपये सहित दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। करेरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एक काले कलर की हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बिना नंबर की शराब से भरी नीले रंग की दो कैनों को लटकाकर ग्राम खैराई से करेरा तरफ शराब विक्रय करने के लिए आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु टीला रोड स्टेडियम के पास पहुंचकर चेकिंग लगाई, तभी कुछ देर बाद मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते दिखे, जिन्हें फोर्स की मदद से पकड़ा। नाम पते पूछे तो मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम रूप सिंह पुत्र छोटेलाल पाल उम्र 25 साल ग्राम टीला व पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम नरेंद्र पुत्र कल्लू परिहार उम्र 23 साल ग्राम शिवपुरा का होना बताया। मोटरसाइकिल पर लटकी हुई दो प्लास्टिक की नीले रंग की कैनों को उतारकर ढक्कन खोलकर चेक किया तो दोनों कैनों में करीब 40-40 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब भरी पाई गई। दोनों से शराब को ले जाने के संबंध में वैध लाइसेंस मांगा न होना बताया। दोनों कैनों में भरी हुई कुल 80 लीटर कच्ची शराब कीमती 16,000 रुपये एवं बिना नंबर की हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल जिसकी कीमती 80,000 रुपये को विधिवत जब्त किया। आज दोपहर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि खैराई तरफ से हीरो होंडा स्प्लेंडर पर दो व्यक्ति शराब लेकर आ रहे हैं। उस सूचना के आधार पर टीला रोड पर चेकिंग लगाई गई तो कुछ देर बाद दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल लेकर आए, इन्हें रोका गया तो एक व्यक्ति ने रूप सिंह पाल, दूसरे ने नरेंद्र परिहार निवासी चोपड़ा का होना बताया। उनकी मोटरसाइकिल दो कैने कसी हुई थी, उनको खोलकर देखा तो दोनों में 40-40 लीटर कच्ची शराब भरी हुई थी। आरोपी विरुद्ध धारा 34 के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों से शराब के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।